हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो हिंदी ए के सिलेबस से रिलेटेड रहेगी, जो नाइन्थ का है। हालांकि मैंने जो डीओई ने इशू किया था, तो प्रिंटेड फॉर्म में मैंने एक एक वीडियो को अच्छे से समझाया था, जिसमें मैंने हर सिलेबस की बात करी थी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो। तो लेकिन फिर भी बहुत से जो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं, सर हिंदी ए का सिलेबस आप बता दीजिए एक बार। तो ये आप हिंदी ए का दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि देखिए, आप YouTube पे जो सर्च कर रहे हैं ना, आप ऐसे लिखिए हिंदी सिलेबस लिखिए, ठीक है, पूरा लिख लेना। उसके बाद क्लास नाइन्थ लिखिए, फिर बाद में एएससी स्टार्टर लिख दीजिए, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। एएससी STR TER, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे तो आपको इजीली जो हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। बाकी अब इसमें भी आपको मैंने जो है बता दिया, लेकिन आप ये आराम से सिलेबस दे सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। अपठित गद्यांश 5 मार्क्स का है, और एक और आएगा अपठित, वो भी 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये सारे के सारे जो हैं MCQs में ही आएंगे, ठीक है। और पूरा पेपर MCQ भी आएगा, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, जिसमें मैंने बताया था कि एक फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी आपको। तो आप इसमें जो है पूरा श्योरिटी है, आपके सारे के सारे जो पेपर होंगे MCQ में ही होंगे, ठीक है। तो आप फटाफट आप देखिए, जो उपसर्ग है वो 2 मार्क्स का है, और प्रत्यय है वो भी 2 मार्क्स का है, और जो समास है वो 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। और अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं ना, वो भी 4 मार्क्स के आपके। उसके बाद अलंकार है, अलंकार जो है वो भी आपके 4 मार्क्स के हैं। उसके बाद जो है ना आपका गद्य जो खंड है वो 7 मार्क्स का है, और जो काव्य खंड है वो 7 मार्क्स का है। गद्य खंड मतलब जो भी आपके पाठ है ना, जैसे पहला आपका 2 बैलों की कथा है, इस तरीके से लासा की ओर, वो सब गद्य में आते हैं। और जो काव्य खंड है ना, उसमें जो कविताएँ वगैरह हैं वो हैं, ठीक है, वो 7 मार्क्स की हैं आपकी। आप सोच भी रहे होंगे कि सर ने 7 मार्क्स तो बता दिए, लेकिन कौन कौन से लेसन हैं। देखिए, ये हैं 2 बैलों की कथा लासा की ओर, और काव्यखंड में वाक और सवैये हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जितने क्वेश्चन आएंगे सभी आपको करने होंगे। जैसे टोटल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, व्याकरण के लिए बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, 20 आएंगे, 20 में से आपको केवल 16 करने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, समझ में आ गई। तो आप जब भी पेपर आप करेंगे ना अटैम्प्ट, तो उसमें आप ध्यान से क्वेश्चन ऊपर पढ़ लेना कि कितने करने के लिए कहे हैं, क्योंकि आपको ये फिल करने होंगे, और अगर आपने गलती से फिल कर दिया तो वो फिर उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आप देख लेना, जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें पढ़ लेना, क्योंकि ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है, खंड का, खंड खा, खंड का, इस तरीके से आएगा, उसमें ऊपर लिखा होगा साहब कि कितने क्वेश्चन करने हैं आपको। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि व्याकरण में 20 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें सबको 16 करने होंगे, समझ रहे हैं ना। पेपर बहुत इजी बनेगा, आप बस अपनी ईमानदार से तैयारी करिए। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, जो आपका 10 मार्क्स का है। तो देखो, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अलग अलग जो है वो मार्क्स, जैसे किसी में 2, किसी में 3 किया गया है। हिंदी में सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है, 2.5, 2.5, 2.5, ठीक है। जो सामयिक आकलन होगा वो 2.5 का है, जो आपके पीरियोडिक अब होने जा रहे हैं ना, वो आपका 2.5 मार्क्स के होंगे। और जो आपके मल्टीपल जो असेसमेंट होंगे ना, वो भी 2.5 मार्क्स के होंगे। जो आपको असेसमेंट नहीं मिल रहा, असेसमेंट 1, 2, 3, 4, तो आप अच्छे से पूरे कीजिए, पूरे पूरे लाइए। अगर 10 में से आपके 9 तक भी आते, तब भी आपको फुल मार्क्स आएंगे। फिर आपको एक पोर्टफोलियो दिया जाएगा, जैसे पिछली बार सिक्किम प्रोजेक्ट पर मिला था, ठीक है, या यहाँ इस बार किसी भी चीज़ पर आपको दिया जा सकता है, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर। और उसके बाद श्रवण एवं वाचन, आपके टीचर हिंदी से रिलेटेड आपसे कुछ वाइवा ले सकते हैं, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, आपके बारे में जान सकते हैं कि वो कितनी नॉलेज है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप पोस्ट पर भी जाके देखेंगे तो बहुत सारे मैंने जो है सिलेबस लगा रखे हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई नहीं मिलती, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगा,
फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।